हेलो दोस्तों कैसे ही? आप उम्मीद कर बच्चे होंगे तो दोस्तों डे बाय डे न्यू कंट्रीज़ एडअप होती जा रही हैं कोई ना कोई नया वैकेंसीज आती जा रही है हमारे पास तो अभी जैसा आपने थंबनेल में देखा होगा सिंगापुर के लिए वर्क परमिट है सिंगापुर के लिए बहुत कम आता है बहुत ही कम आता है और सैलरीज भी इसमें अच्छी खासी है आ, तो इसमें किसी ने भी जाना है तो वीडियो पूरी देखिएगा अगर ये मैच आपकी कैटेगरी से नहीं करती है तो शेयर कीजिएगा ताकि किसी की हेल्प हो जाए तो चलिए बात करते हैं सिंगापुर के लिए हमें कौन सी कैटेगरी चाहिए सिंगापुर के लिए चाहिए हमें परचेज़ कोऑर्डिनेटर परचेज कोऑर्डिनेटर का मतलब क्या होता है वहाँ पे एक कंपनी है जो कि वर्कर्स को प्रोफेशनल्स को अकोमोडेशन रोमेट्रीज इस टाइप की सर्विस प्रोवाइड करवाती है खाने की सर्विस प्रोवाइड करवाती है तो बहुत बड़ी है वो तो वहाँ पर उनको परचेज कॉर्डिनेटर्स चाहिए जो कि जिनको पता हो कि हम Uh, क्या सामान आना है कितना सामान आना है बेसिकली फूड से रिलेटेड ठीक है कि कितना सामान आना है मंथली और बाकी परचेजेज भी करनी होती हैं तो वो चीज़ उसमें क्या होता है उसमें बंदे को एक्सपीरियंस होना चाहिए सेम फील्ड का अगर फूड से रिलेटेड फील्ड का हो तब तो बहुत अच्छी बात है अगर उसको किसी और फील्ड का एक्सपीरियंस है तब भी हम कंसीडर कर सकते हैं जैसे परचेज कोऑर्डिनेटर का भी एक अलग से कैटेगरी होती है तो उसमें सैलरी क्या रहेगी लगभग सेवेंटी फाइव थाउजेंड बेसिक रहेगी प्लस uh, uh, जो है अगर uh, आप संडे वाले दिन काम करते हो तो एक्स्ट्रा मिलेगा ठीक है uh, बारह सौ डॉलर है इसमें सर अच्छी बात क्या है कि फ्री फूड है फ्री एकोमोडेशन है मेडिकल इंश्योरेंस तो हो, होती ही होती है तो इसमें अगर आपको लगता है कि आपकी ये कैटेगरी में आती है अब मैं फिर से एक बार फिर से बताया था परचेज कॉर्डिनेटर्स वहाँ पे कंपनी जो कि अकोमोडेशन की सर्विस और फूड की सर्विस लोगों को प्रोवाइड करवाती है कंपनीज़ को देती है जैसे कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं एम्प्लॉय आके वहाँ पे रुकते हैं मंथली बेसिस पे ठीक है तो कंपनी उनका एक्सपेंस पे करती है जैसे सपोज कोई वर्क परमिट पे वहाँ पे रह रहा है तो वहाँ पे वो सर्विस जो है अकोमोडेशन सर्विस ये कंपनी प्रोवाइड करवाएगी तो उसमें परचेज कॉर्डिनेटर्स चाहिए होते हैं जो कि सामान परचेज़ करना है फूड का कितना सामान आ रहा है कितना आना चाहिए ये सारा इसको परचेज कोऑर्डिनेटर कहते हैं तो उसमें हमें पाँच से छः लोग चाहिए टोटल तो डिग्री होना जरूरी है डिग्री हो और इंग्लिश आनी चाहिए साथ में आ, उसको कोई एक्सपीरियंस इस टाइप की फील्ड का होगा तो बहुत अच्छी बात है तो इसमें चाहिए 1200 डॉलर सैलरी है सिंगापुरी डॉलर लगभग सेवेंटी फाइव थाउजेंड के आसपास बनती है प्लस फ्री फूड है फ्री एकोमोडेशन है ट्वेंटी सिक्स डेज काम है तो इसमें अगर आप कोई भी जाना चाहता है तो जल्दी से जल्दी हमारे दो पर कॉन्टेक्ट कर लीजिए क्योंकि बहुत लिमिटेड वैकेंसीज आती है आपको पता है कि सिंगापुर बहुत छोटा सा देश है वैकेंसी आती हैं चली जाती हैं बहुत जल्दी तो ये जो नंबर दिए हैं ना इन पर बात कर लीजिए बाकी कर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर थैंक यू